नमस्कार दोस्तों, आरडी टोन मेकिंग में आपका स्वागत है। आज हम लेके आया है मैंडोलियन टोन के साथ रिदिम टोन एकॉम्पनी सेट कैसे करते हैं। दोस्तों आइए आज हम सिखाते हैं रिदिम के साथ मैंडोलियन टोन कैसे प्लेइंग करते हैं। दोस्तों सीख लीजिए। सबसे पहले इसका थोड़ा सा एक बार टोन सुन लेते हैं, उसके बाद इसका पैरामीटर हम बताते हैं। यह है मैंडोलियन टोन। ये देखिए, बहुत अच्छा मैंडोलियन टोन है दोस्तों। इसमें साइड में कैमरा लगा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा प्ले नहीं कर पा रहा हूँ, कैमरा हिल रहा है, तो आप लोग समझ में आ जाएगा। पहले इसका पैरामीटर देख लीजिए। सबसे पहले आपको टोन लाना है, वॉइस नंबर लाइए, वॉइस बटन को प्लेस कीजिए और मैंडोलियन टोन जो है 026 उस नंबर को लाइए मैंडोलियन। उसके बाद फंक्शन बटन को दोस्तों प्रेस कीजिए। ट्रांसपोज लिखा आएगा, तो जहाँ से ट्रांसपोज लिखा आएगा दोस्तों, ट्रांसपोज 00 रख दीजिए। फिर कैटेगरी प्लस बटन से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। कैटेगरी प्लस बटन प्रेस कीजिए। ट्यूनिंग 440 कैटेगरी प्लस, पीवी रेंज 02 कैटेगरी प्लस, स्प्लिट पॉइंट 053, ऐसे आपको 053 स्प्लिट पॉइंट मिलाना है दोस्तों। फिर कैटेगरी प्लस, टच रेंज मैंने सॉफ्ट रखा है, आप अपने हिसाब से रख दीजिए, मीडियम है, हार्ड है। और फिक्स करने से, नंबर 4 पे रखने से आपका कीबोर्ड का टच एकदम कट जाएगा। ओके, तो हमको थोड़ा सा टच रखना है, इसीलिए रखा है, मैंने सॉफ्ट रखा है। फिर कैटेगरी प्लस बटन प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। पोर्टोमेंट ऑफ प्रोटोटाइम वे नहीं लगेगा। एम वॉल्यूम, मास्टर वॉल्यूम 127, एम ऑक्टेव 0, एम पैन सी, एम रिवर्ब 090, ऐसे आपको लेवल मिलाना है। फिर कैटेगरी प्लस, एम कोरस 000, एम अटैक 064, एम रिलीज 070, ऐसे मिलाइए। एम कटअप 068, ऐसे मिलाइए। एम रेजो 088, ऐसे मिलाइए। फिर कैटेगरी प्लस बटन प्रेस करके आप आ जाइए डुअल वॉइस पर। डुअल वॉइस आप रख दीजिए 440, नंबर देख लीजिए 440 डुअल वॉइस लाइए। उसके बाद जैसे आगे बढ़ रहा था, कैटेगरी प्लस बटन प्रेस करते करते ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। ओके, तो प्रेस कीजिए कैटेगरी प्लस, डुअल वॉल्यूम 060, ऐसे आप मिला लीजिए। फिर कैटेगरी प्लस, डी ऑक्टेव प्लस 1, ऐसे आपको प्लस 1 करना है। फिर कैटेगरी प्लस, डी पैन सी, डी रिवर 090, डी कोरस 000, डी अटैक 064, डी रिलीज 070, ऐसे आप मिलाइए। डी कट ऑफ 068,
ऐसे आप मिलाइए। डी रेजो 088 कैटेगरी प्लस एज वॉयस माइनस स्टिंग्स। एज वॉयस पर मैंने इधर कुछ नहीं रखा है, मैं इधर एकॉम्पनी सेट किया है, तो आप सीधा आ जाइए। सीधा आ जाइए आप रिवर्ब पे, रिवर्ब पे आ जाइए। रिवर्ब हॉल 202 नंबर रख दीजिए ऐसे घुमा के। फिर कैटेगरी प्लस कोरस आएगा, कोरस 3 रख दीजिए इसको ऐसे ऐसे घुमा के धीरे धीरे आराम से। मास्टर इक्वलाइजर 4 नंबर पे रख दीजिए इसको ऐसे घुमा के। स्पीकर इंडिया हेडफोन और बूस्ट, और सीधा आ जाइए आप हारमोनी टाइप जो है हारमोनी आरपीजीओ टाइप ट्रिल 8 नंबर 008 इसको ऐसे घुमा के 8 नंबर पे रख दीजिए। ट्रिल 8 नंबर ओके। इसका लेवल प्लस कीजिए, कैटेगरी प्लस बटन प्रेस कीजिए, लेवल आएगा। लेवल रख दीजिए 070 इसका लेवल रख दीजिए। और इधर में और कुछ ऑप्शन नहीं है, अंदर का टोन का जो सेटिंग्स है वो बन चुका है। टोन आपका टोन अभी तक नहीं बना है, डुअल बटन ऑन करने से आपका टोन बन जाएगा। तो इधर से आपको क्या क्या काम करना है दोस्तों, इधर से आपको सिर्फ डुअल बटन और हारमोनी बटन ये दोनों बटन को प्रेस करके ऑन करना है। और जब ये दो बटन ऑन करेंगे दोस्तों तो आपका ऐसा फ्लेवर आएगा। ऐसे फ्लेवर आएगा मैंडोलिन के टोन। उसके बाद लेफ्ट साइड पर दोस्तों ऐसे मैं इधर लेफ्ट साइड पर देखिए, इधर एकॉम्पनी जो स्विच है उस बटन को आपको ऑन करना है। इधर मेरा एकॉम्पनी स्विच मेरा ऑन हो गया, ये देखिए मैं ऑफ कर रहा हूँ, चेंज हो गया। मैं जब इस बटन को ऑन करेंगे तो ऐसा अकॉर्डिंग आएगा, और आपका जो भी कॉर्ड आप रखेंगे इधर में शो हो जाएगा। अभी मैं जी माइनर में हूँ, ये मेरा जी माइनर शो कर रहा है। एफ में हूँ, ये देखिए मेरा एफ भी आ रहा है ओके। तो इधर स्केल आप देख सकते हैं कहाँ से आपको बजाना है। तो जब एकॉम्पनी स्विच आप प्रेस करके ऑन करेंगे दोस्तों तो इधर में ऐसा कॉर्डिंग आएगा। तो क्या क्या आपको ऑन करना है, क्या क्या आपको ऑन रखना है, डुएल हारमोनी और एकॉम्पनी स्विच, यानी 1 2 3 ये तीनों बटन को प्रेस करके आपको ऑन रखना ही है। और इधर में देखिए दोस्तों, इधर टेम्पो लिखा हुआ एक बटन है, उस बटन को ऐसे प्रेस कीजिए। टेम्पो आपको मिलाना है 090 टेम्पो मिलाना है। जब आप 090 टेम्पो मिलाएंगे दोस्तों तब इधर देखिए राइट साइड पर स्टाइल लिखा हुआ एक बटन है, इस बटन को एक बार ऐसे प्रेस कीजिए। भजन 4004 नंबर, भजन 4004 नंबर रिदिम आपको लाना है। जब ऐसा रिदिम आप लाएंगे दोस्तों तो आपको ऐसा बजेगा, ऐसा रिदिम आएगा। फिर इसका टेम्पो जो मैंने बोला है 092 टेम्पो मिलाइए। उसके बाद जब 1 2 3 ये तीनों बटन जब आप ऑन रखेंगे तब ऐसा फ्लेवर आएगा, ऐसा फ्लेवर आएगा, ऐसा फ्लेवर आएगा। ऐसा फ्लेवर आएगा जब दोस्तों ऐसा फ्लेवर आएगा, आपका टोन पहले भी बन चुका ही है, उसके साथ रिदिम भी सेट हो गया। अब देखिए मैं बजा रहा हूँ सेम, अभी सेव नहीं किया, सिर्फ सजाया है, ये देखिए।
ऐसा फ्लेवर आएगा। आप भी ऐसे ट्राई कीजिए, टेम्पो स्टाइल और एकॉम्पनी स्विच जैसे जैसे मैंने बताया सेम टू सेम ऐसे ही कीजिए, मैंडोलियन टोन के साथ आप घर पे अकेले प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी रिदिम। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।